वेलकम बैक टू माय चैनल आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास सिक्स हिस्ट्री का टर्म टू का लास्ट चैप्टर दैट इज द एज ऑफ द गुप्ताज ये जो चैप्टर है दिस इज द लास्ट चैप्टर जो कि आपके कोर्स में है सो विदाउट वेस्टिंग एन टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड मुझे काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि बहुत जल्दी से ये चैप्टर पढ़ा दिया जाए सो हेयर आई एम विद द फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर ये वन शॉट वीडियो होने वाली है जिसका मतलब पूरा का पूरा चैप्टर मैं आपको इसी एक वीडियो में समझा रही होंगी ठीक है थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है आई विल ट्राई कि जितना आपके एग्जाम में आए सिर्फ उतना ही नीडेड जो है उतना ही मैं आपको पढ़ा रही हूँ और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ ठीक है सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड पहला ये इंट्रोडक्शन जो कि आपकी बुक में भी दिया गया है द फोर्थ सेंचुरी सी ई जो फोर्थ सेंचुरी सीई थी उसमें देखा गया गुप्ता डायनेस्टी का जो है वो राइज मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ और गुप्ता डायनेस्टी शुरू भी हुई कब गंगा वैली में इन फोर्थ सेंचुरी सी अब जो गुप्ता डायनेस्टी थी वो नॉर्दर्न इंडिया के लार्ज पार्ट्स को कंट्रोल करती थी और इनका जो रूल है वो 200 साल से भी ज़्यादा लास्ट किया था ठीक है मतलब इन्होंने इंडिया पर 200 साल से ज़्यादा राज किया था गुप्ता एज जो है इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंडिया की हिस्ट्री में एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड था इसको कैरेक्टराइज कैसे किया जाता है इट वॉज़ कैरेक्टराइज बाई पीस प्रॉस्पेरिटी अ स्पिरिट ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस एंड प्रोग्रेस इन द फील्ड्स ऑफ कल्चर एंड साइंस जो ये गुप्ता पीरियड था जो गुप्ता डायनेस्टी का जब राइज हुआ और जब चल रहा था तो उस दौरान हमें देखने को मिला कि जो पीस है बहुत ज़्यादा था प्रॉस्पेरिटी था मतलब जो ये डायनेस्टी थी ये अमीर थी इनको पैसों की कमी नहीं थी ठीक है स्पिरिट ऑफ रिलीज मतलब अगर कोई हिंदू इंसान है तो वो मुस्लिम को टॉलरेट करने की रखता था ठीक है और अ, मतलब दूसरे का रिलीजन सेम हो या ना हो अगर डिफरेंट है तो उसको टॉलरेट कर पाता था ठीक है प्रोग्रेस इन द फील्ड्स ऑफ कल्चर एंड साइंस साइंस और कल्चर में बहुत ज़्यादा ग्रेट एडवांसमेंट देखी गई थी इस समय में और इसी वजह से जो कुछ हिस्टोरियंस हैं वो गुप्ता जो पीरियड है इसको गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री भी कहते हैं एंड इट इज़ नॉट रॉन्ग टू से ये काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम्स में गिव रीज़न के फॉर्म में आता है सो so, अगर आता है तो आपको ये सारा लिखना होगा कि गुप्ता पीर आ, एज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट था और इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स इस पीरियड की होती नाउ वी कम टू सोर्सेज तो कौन कौन सी सोर्सेज की बात आती है सबसे पहले तो आर्क्योलॉजिकल एंड लिट्रेरी सोर्सेज जो हैं वो हमें हेल्प करती हैं गुप्ता पीरियड को पढ़ने के लिए नाउ बिफोर वी गो डीप इन टू इट जैसा कि मैं आपको अपने हर वीडियो में हिस्ट्री की जो भी वीडियो होती है मैं आपको अच्छे से समझा रही होती हूँ आई एल एक्सप्लेन यू द सेम कॉन्सेप्ट जो सोर्सेज होते हैं वो दो टाइप के होते हैं हिस्ट्री में सोर्सेज दो टाइप के होते हैं एक होते हैं लिट्रे सोर्सेज यानी किसी किताब को पुराने समय की कोई किताब अभी भी सर्वाइव कर गई हो तो आपको उसके बारे में जान आ, से को पढ़कर आपको नॉलेज मिलती है उस पीरियड के बारे में ठीक है और दूसरा आता है आर्किोलॉजिकल सोर्सेज अब गुप्ता पीरियड में भी दोनों के दोनों जो सोर्सेज हैं वो हमें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करते हैं अबाउट दी गुप्ता डायनेस्टी अब कौन कौन से सोर्सेज हैं लेट्स स्टडी अबाउट देम अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन रिमेन्स ऑफ टेम्पल्स अजंता केव्स जो हैं वहाँ पे जो पेंटिंग्स हैं और जो लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स जो कि गुप्ता रूलर्स ने इशू करे हैं ये सारे जो हैं ये क्या आते हैं ये आर्क्योलॉजिकल सोर्सेज हैं इस पीरियड के ठीक है और जब मैं बात करती हूँ लिटरी सोर्सेज की तो उसमें आता है वर्क्स ऑफ कालीदास कालिदास एक बहुत फेमस इंसान है हिस्ट्री में आता है इनका काफ़ी ज़्यादा नाम उनके बारे में भी हम इसी वीडियो में पढ़ रहे होंगे और अकाउंट्स जो कि फॉरेन ट्रैवलर्स मतलब कोई फॉरेन ट्रैवलर आया उसने यहाँ पे के बारे में लिखा तो उसको कहते हैं अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स ठीक है अब कौन कौन से थे ऐसे फॉरेन ट्रैवलर्स इन उन्होंने लिखा अबाउट गुप्ता पीरियड वो थे फाहीन एंड आई सिंह ठीक है ये जो दोनों हैं ये दोनों के दोनों गुप्ता पीरियड के दौरान जब चल रहा था उसी वक्त विजिट करे थे इंडिया को नाउ वी टॉक अबाउट द पॉलिटिकल हिस्ट्री किसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री गुप्ता पीरियड में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह कैसा था सबसे पहले लेट मी टेल यू देखो दो चीज़ें डिफरेंस हैं जब मैंने आपको पढ़ाया था मौर्यन डायनेस्टी तो वहाँ पे जो बहुत फेमस से रूलर हैं वो कौन है चंद्रगुप्त मौर्य वहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य हैं और जब मैं यहाँ पर आपसे बात कर रही हूँ यहाँ पे हम दो चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे एक चंद्रगुप्त वन और दूसरे चंद्रगुप्त टू ये वाले जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं ये किससे एसोसिएटेड है ही इज़ एसोसिएटेड विद दी मौर्यन पीरियड और जिनके बारे में हम अभी पढ़ने जा रहे हैं चंद्रगुप्त वन और चंद्रगुप्त टू वो दोनों के दोनों आते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ गुप्ताज ठीक है तो फर्क है दोनों में नॉट गेट कन्फ्यूज जो फर्स्ट पावरफुल रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के वो थे चंद्रगुप्त वन उन्होंने अपनी कैपिटल को क्या आ, अपना जो कैपिटल है वो क्या बनाया पाटलिपुत्र उन्होंने अपना कैपिटल बनाया अलग अलग बुक्स में अलग अलग स्पेलिंग है पाटलिपुत्र की सो जस्ट चेक कि आपके इस बुक में क्या है और वही आपको फॉलो करना चाहिए ठीक है चंद्रगुप्त वन जो है उन्होंने कुमारा देवी से शादी करी आ, ही मैरिड कुमारा देवी और कुमारा देवी क्या, कौन थी ये प्रिंसेस थी पावरफुल लिच्छवी ट्राइब वैशाली में वैशाली जगह थी वहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल ट्राइब हुआ करती थी लिच्छवी ट्राइब और उस लिच्छवी ट्राइब की प्रिंसेस थी कुमारा देवी ठीक है जो लिच्छविस के सपोर्ट उनको सपोर्ट कैसे मिला क्योंकि वहाँ की जो प्रिंसेस थी वो उनकी वाइफ थी अब उनका जो लिच्छविस का सपोर्ट था उसकी वजह से उन्होंने एक बहुत बड़ा सा एम्पायर कार्व किया बहुत बड़ा सा एम्पायर बनाया जिसके अंदर क्या क्या कौन कौन से एरिया आते थे मॉडर्न बिहार झारखंड और ईस्टर्न यूपी ये तीन एरियाज आते थे ठीक है उन्होंने एक टाइटल खुद ही से अडॉप्ट कर लिया ऑफ महाराजा ये टाइटल की जो स्पेलिंग यार प्लीज़ यू शुड बी पेइंग अटेंशन टू दिस ये आता जरूर है एग्जाम में इसका मतलब होता है द किंग ऑफ किंग्स ठीक है तो गुप्ता एज में अलग डिफरेंट डिफरेंट रूलर्स ने अपने लिए अलग अलग जो टाइटल्स uh, हैं वो लिए थे और जो चंद्रगुप्त तो वन है इनका जो रूल था दैट वॉज फ्रॉम थ्री ट्वेंटी टू थ्री थर्टी फाइव सी ई एक तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है ठीक है Thing, इनका जो टाइटल है वो इट वॉज महाराजा धिराज नाउ वी मूव फॉरवर्ड कमिंग टू समुद्र गुप्त जो कि सेकेंड रूलर थे अब समुद्रगुप्त तो जो थे ही वोज द सन ऑफ चंद्रगुप्त वन के पहले तो ये बेटे थे ये ग्रेटेस्ट रूलर थे डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर चंद्रगुप्त वन थे उनका बेटा समुद्रगुप्त ग्रेटेस्ट रूलर मतलब जो ये डायनेस्टी थे गुप्ता डायनेस्टी उसका बेस्ट रूलर था वो ठीक है इनके जो कॉन्क्वेस्ट है उसके बारे में हमें कैसे पता चलता है कॉन्क्वेस्ट मतलब उन्होंने कहीं गए वो उन्होंने जंग जीता या कोई उन्होंने कोई अकम्पलिशमेंट किया तो उसके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है फ्रॉम दी अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन एक तो ये चीज़ है जिससे हमें पता चलता है दूसरा हमें पता चलता है आ, हरी सेना जो कोर्ट पोएट थे समुद्रगुप्त के उनके कुछ कॉम्पोजिशन हैं ये सेकेंड पॉइंट है उनकी जो कॉम्पोजिशन है उनसे भी हमें पता लगता है अबाउट दी कॉन्क्वेस्ट जो अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है ये लिस्ट करता है उन रूलर्स के नाम जिनसे समुद्रगुप्त ने वॉर या कोई भी जंग लड़ी थी लड़ाई करी थी उनके जो रूलर्स के नाम है वो लिस्ट करता है एंड सेकेंड ऑफ ऑल जो भी पॉलिसी समुद्रगुप्त ने फॉलो करी समुद्रगुप्त जो थे वो हर रूलर के लिए अलग पॉलिसी रखे थे और जिस रूलर के लिए जो भी पॉलिसी उन्होंने यूज़ करी वो जो पॉलिसी है वो कहाँ पे लिखी गई है अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन पर अब इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन का एक डिडियो नो करके आपकी बुक में दिया गया है सो आई एम जस्ट गोना मेक यू क्लियर अबाउट इट ठीक है द अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है अलाहाबाद में एक फोर्ट है उसके अंदर ये लोकेटेड है जो अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है इसमें किस किस के इंस्क्रिप्शन है? हैं इसमें इंस्क्रिप्शन हैं एम्पर अशोका के और मुग़ल एम्प्रयर जहांगीर के ठीक है एम्पर अशोका और मुग़ल एम्प्रायर जहांगीर इन दोनों के जो वो शडा बी सिंह इंस्क्रिप्शन हैं जो लिखावट है इनके अलग अलग कॉम्पोजिशन हैं वो यहाँ हैं हैंहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में और अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन अलाहाबाद के एक फोर्ट के अंदर है हिस्टोरियंस जो है अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन को एक डायरी कहते हैं हिस्ट्री के डिफरेंट एजेस की डायरी कहते हैं ठीक है अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो है लिस्ट करता है उन रूलर्स के नाम जिनके अगेंस्ट समुद्रगुप्त ने लड़ाई लड़ी थी और जो जो पॉलिसी फॉलो करी थी ये बड़ी पॉइंट फॉरवर्ड समुद्र ग्रुप जो है तो आपको ये ध्यान में रखनी चाहिए नंबर टू अब हम बात करने जा रहे हैं कि किस किस रूलर के लिए उन्होंने जो पॉलिसीज हैं वो रखते थे वो नॉर्थ में समुद्रगुप्त ने चार पावरफुल न्यूमरस चार पावरफुल किंगडम और आ, कुछ छोटे छोटे कई सारे छोटे छोटे जो राजाएं हो, होते थे उनको हराया था उन्होंने आज के समय में जो दिल्ली वाली जगह है वो अपने कंट्रोल में ले आए थे प्रेजेंट डे दिल्ली वेस्टर्न उत्तर प्रदेश को अपने कंट्रोल में ले आए थे और एडमिनिस्ट्रिंग दीज एरियाज एर डायरेक्टली वो डायरेक्टली खुद से ही इन एरियाज को एडमिनिस्टर किया करते थे समुद्रगुप्त तो जो हैं उन्होंने डिफीट किया था किसको डेक्कन के बारह रूलर्स को और फार साउथ साउथ डेक्कन और डेक्कन के बाद जितना भी दूर का एकदम साउथ वाला पोर्शन था उसमें उन्होंने बारह रूलर्स को डिफीट किया था एक चीज आपको पता होना चाहिए ये भी मैंने अपनी काफी सारी वीडियोज में आप लोगों को एक्सप्लेन किया Still, तो है स्टिल आई डू इट अगैन वंस देखो चार डायरेक्शंस होती हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ठीक है अब इसमें एक चीज़ और होती है अगर मैं इसको फर्दर डिवाइड कर दूँ एक डिरेक्शन यहाँ से जाते हैं आई विल डू इट विद डिफरेंट कलर एक डरेक्शन यहाँ से जाती है एक डिरेक्शन यहाँ से जाती है ये वाला जो एरिया है ये कौन से एरिया में आता है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में तो ये बन जाता है नॉर्थ ईस्ट ये साउथ और ईस्ट के बीच में आता है तो ये एरिया बन जाता है साउथ ईस्ट ये वाला जो एरिया है ये किसके बीच में आता है साउथ वेस्ट तो ये साउथ वेस्ट बन जाता है और ये बन जाते हैं सिमिलरली नॉर्थ वेस्ट टोटल एट डायरेक्शन होती हैं जिसमें जो चार डिरेक्शन हैं वो मेन डिरेक्शन होती हैं बाकी जो है उनको कार्डिनल डिरेक्शन कहा जाता है आई गेस इतनी जोग्राफी काफी है लेट्स कम बैक द टॉपिक इसी तरह से डेक्कन uh, डेक्कन भी साउथ में है और, और ज्यादा साउथ जाते हुए उन्होंने और भी काफी राजाओं को हराया था जिसका टोटल नंबर जो है इट काउंट्स टू ट्वेल्व ठीक है हावे वर उन्होंने इन किंगडम्स को एनेक्स नहीं किया था उनको लगा कि अगर वो नॉर्थ क्योंकि जो सेंटर था वो नॉर्थ में हुआ करता था तो नॉर्थ से कंट्रोल करना इनको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा और इस वजह से रूलर्स को कहा गया था कि आप एक एनुअल ट्रिब्यूट दे दें और समुद्र गुप्त को अपने ओवर लॉर्ड यानी वो राजा हैं अगर मानो आ, साउथ का डेक्कन का एक राजा है तो वो अगर राजा है तो समुद्रगुप्त तो को वो अपना महाराजा मान दे ओवर का ये मतलब होता है मतलब अपने से भी ऊपर एक टॉप पोजीशन दे दे ठीक है तो कौन से दो कंडीशंस थी डेकन वाले लोगों के लिए एक तो ये थी कि उनको एनुअल ट्रिब्यूट देना था अनदर वाज ओवर समुद्रगुप्त ने ईस्ट के काफ़ी सारे रूलर्स को हराया जिसमें आते हैं नेपाल असम और बंगाल के रूलर्स ठीक है रूलर्स को उनकी सॉवरनिटी को एक्सेप्ट करना पड़ा और उन्हें एक एनुअल ट्रिब्यूट देनी पड़ी समुद्रगुप्त ने ट्राइबल रिपब्लिक जो कि पंजाब और राजस्थान में स्थित थी उनको भी हराया साथ में जो फॉरेस्ट ट्राइब्स थी विंध्या रीजन की उनको भी हरा दिया जो रूलर्स थे उन्होंने ऑफर किया ट्रिब्यूज ऑफर किया करते थे और समुद्रगुप्त को राजा समुद्रगुप्त थे इनको गिफ्ट ऑफर करते थे हिज डायरेक्ट रूल अब जो समुद्रगुप्त थे उनका जो डायरेक्ट रूल था वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता था इट एक्सटेंडेड फ्रॉम बंगाल इन द ईस्ट ईस्ट में जो बंगाल है वहाँ से लेके वेस्ट की जो दिल्ली है वहाँ तक इनका जो डायरेक्ट रूल है वो एक्सटेंड करता था ना मतलब इन एरियाज़ को वो डायरेक्टली करते थे बंगाल ईस्ट के बंगाल से लेकर वेस्ट के दिल्ली तक वो डायरेक्ट कंट्रोल करते थे खुद से एडमिनिस्टर करते थे इन टेरिटरीज को और जो इनडायरेक्ट रूल है वो कहाँ से कहाँ तक था इट वॉज़ फ्रॉम हिमालयाज इन द नॉर्थ नॉर्थ के हिमालया से साउथ के कांचीपुरम तक और फिर वेस्ट में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर से लेकर ईस्ट के असम तक ठीक है ये इनका इनडिर रूल था ये आपको एज़ इट इज़ लर्न करना पड़ेगा यू के नॉट सेक ये चीज़ मैं अपनी लैंग्वेज में लिख सकता हूँ क्योंकि अगैन सारे के सारे प्लेसिज हैं विच कॉन्ट बी रिटर्न ऑन योर रूम ठीक है विंसेंट स्मिथ जो हैं ये एक फेमस हिस्टोरियन है उन्होंने समुद्रगुप्त को इंडिया का नेपोलियन कह के डिस्क्राइब किया है समुद्रगुप्त जो है वो अश्वमेधा यज्ञा जो है ये परफॉर्म क्या करते थे वाई टू एजर्ट हिज पोलिटिकल सुप्रीमेसी अपनी पोलिटिकल सुप्रीमेसी को एजर्ट करने के लिए समुद्रगुप्त अश्वमेधा यज्ञा परफॉर्म करते थे अगेन अश्वमेधा यज्ञा की स्पेलिंग मैंने यहाँ पे वो लिखी है जो उस बुक में है विच आई एम हैविंग डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट स्पेलिंग है सोगैन so आपकी बुक में जो भी है आप वही फॉलो करें और एग्जाम्स में वही लिख कर आओ ठीक है जो समुद्र रूप थे ये फॉलोवर थे हिंदुज़्म के लेकिन वो हर एक रिलीजन की तरफ प्रति टॉलरेंट थे उन्होंने मेघा वर्ना जो कि किंग ऑफ सिलोन थे श्रीलंका के जो राजा थे मेघा वर्ना उनको ये परमिशन उनको ये इजाज़त दी कि वो ब, गाया पे बुद्धिज़्म का एक सेंटर बना पाएँ ठीक है इससे हमें ये क्या दिखाई देता है क्या प्रूव होता है ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है दिस शोज कि समुद्रगुप्त जो है वो फॉरेन रूलर्स को भी कितनी ज़्यादा इज्जत देते थे समुद्रगुप्त जो है वो ना सिर्फ एक कॉन्करर थे साथ में वो एक पोएट एक म्यूजिशियन भी थे और उनकी जो कोइंस हैं उनमें उन से कई सारे जो कॉइन्स हैं उनमें से एक कोइंस में कॉइन में वो वीना बजाते हुए दिखाए गए हैं अब बात करिए चंद्रगुप्त टू की तो चंद्रगुप्त टू जो है ये किसके बेटे थे ही ऑफ समुद्रगुप्त ये समुद्रगुप्त के बेटे थे और उन्होंने अपने फादर को थ्रोन पे सक्सीड किया इनको विक्रम आदित्य भी कहा जाता है शाक्यास को उन्होंने डिफीट किया और कुछ पोर्ट्स उन पर उन्होंने अपना कंट्रोल हासिल किया ब्रोज कैम्बे एंड सुपारा ये जो हैं ये कितने हैं एक दो तीन तीन पोर्ट्स से इन पर उन्होंने अपना जो कब्जा है वो उन्होंने किया कंट्रोल ग्रैंड पाया और जो ये पोर्ट्स हैं ये वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ ट्रेड कंट्रोल करते थे और इस वजह से क्योंकि इन्होंने ऐसा किया एम्पायर जो है वो और ज्यादा रिच हो गया और ज्यादा वेल्दी हो गया प्रॉस्पेरिटी ऐड होने का मतलब और ज्यादा वेल्दी हो गया चंद्रगुप्त जो है उन्होंने अपनी पोजीशन को फर्दर स्ट्रेंथन कैसे किया बाई गिविंग हिस्स डॉटर इन मैरिज टू द वाका टाका किंग डेकन के एक राजा थे वाका टाका जिनको कहा जाता है वाका टाका किंग ऑफ द डेकन तो उनको अपनी बेटी शादी करवा दी मतलब राजा की अपनी बेटी की शादी उस राजा से करवा दी और इस तरह से उनको वाका टाकाज की फ्रेंडशिप मिल गई और उनकी जो पोजिशन है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गई और ज़्यादा मजबूत हो गए जो गुप्ता एम्पायर है यहाँ पे आप स्क्रीन पे फाहीन की भी फोटो देख पा रहे होंगे ठीक है आप देखो फाहीन है आई टेल यू गुप्ता एम्पायर जो है वो अपनी ग्लोरी की जो उसकी शानो शौकत है उसकी ग्लोरी पे कब पहुँचा पीक पे एकदम हाईएस्ट लेवल ऑफ सुप्रीमेसी पे तब पहुँचा जब चंद्रगुप्त टू के अन, आ, रूल में था सब कुछ ठीक है जो चंद्रगुप्त टू थे ये पेट्रन थे किसके आर्ट्स एंड लिटरेचर के जो नवरत्नाज जिनको नाइन जेम्स भी कहा जाता है ये उनके कोर्ट में रहते थे अब मैंने आपको कहा था कालीदास बहुत फेमस इंसान है तो यस इन डीड ही इज जो कालीदास है ही इज अ पोएट एंड अ ड्रामेटिस्ट और ही वॉज वन ऑफ द नवरत्नाज इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त टू फाहीन जो है उन्होंने इंडिया को विजिट किया था ये एक फॉरेन ट्रैवलर थे मैं थोड़ा सा आपको डिटेल मैं थोड़ा सा बताती हूँ फाहीन जो हैं ही वॉज अ ट्रैवलर अ चाइनीज़ ट्रैवलर ये आए थे इंडिया में बुद्धिज़म को जानने के लिए बेसिकली ये एक तो चाइनीज़ ट्रैवलर थे एक ये बात आपको पता होनी चाहिए दूसरी चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि जो फाहीन थे ये बहुत मुश्किल से यहाँ पर इंडिया में आए थे काफ़ी सारे लोगों के साथ ये बुद्धिज्म के बारे में और जानकारी लेने के लिए आए थे इनका मेन एम था मैं बुद्धिज़म के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन वगैरह मुझे इंडिया में मिल सकती है मैं लूँगा क्योंकि बुद्धिज़म की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी विज्ञान फ्रॉम इंडिया एट कहाँ पे बोध गाया ठीक है सो आई होप मैंने काफ़ी सारा आपका रिवाइज करवा दिया है अच्छा बुद्धिज़्म से आई रिमेम्बर ग्रेट प्रीचर्स वाला जो चैप्टर दैट स्पेंडिंग आई नो वेरी वेल आई एम वर्किंग ऑन इट

चंद्रगुप्त वन थे समुद्रगुप्त थे चंद्रगुप्त टू थे नाउ यू योड कुमार गुप्त, कुमार गुप्तुप्त के, गुप्त गुप्त के रेन के दौरान क्या हुआ जो एम्पायर को अटैक किया था हंस ने अब हंस कौन थे ये नोमैडिक ट्राइब्समैन थे सेंट्रल एशिया के आज आप जब आगे क्लास सेवंथ में आकर पढ़ोगे अबाउट 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 टर्किश इन्वेशन एंड ऑल्सो यू गेट टू नो अबाउट द हंस और काफ़ी सारे इन्वेशन उन्होंने करे और जो पहला इन्वेशन था उनका इस दौरान ही हुआ था ड्यूरिंग द रोल ऑफ द पीरियड ऑफ स्कंड गुप्त ठीक है uh, स्कंड गुप्त जो है उन्होंने सक्सेसफुली इन सबको हराया और उनकी एडवांस चेक करी मतलब एटलीस्ट जब तक वो स्कंड गुप्त तो रूल कराए तब तक तो वो दोबारा नहीं आए वापस ठीक है स्कंड गुप्त के सक्सेसर्स जो हैं वो वीक uh, थे इनकेपेबल तो इस लायक नहीं थे कि वो रिपीटेड हन इन्वेशंस को रिपेल कर पाए सो so, उनके स्कंदगुप्त स्कंड गुप्त के होते हो जब तक स्कंड गुप्त वॉज अलाइव तब तक ऐसा कोई इन्वेजन नहीं था जो रिपेल ना कर पाया गया हो बट आफ्टर हिम जो सक्सेस थे वो इतने कमज़ोर थे इतने इनकेपेबल थे कि वो हन इन्वेजन्स को रिपेल नहीं कर पाए अब मैं फाहीन के अकाउंट की बात करूँ तो ये बेसिकली चाइनीज पिलग्रेम थे चाइनीज ट्रैवलर भी थे ये ये इंडिया में आए थे बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स की पढ़ाई करने सी आईट हैड टोल्ड यू सेम चीज़ ये इंडिया पहुंचे 405 हंड्रेड सी ई में और उन्होंने अगले छः साल बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज जो पूरा कंट्री है उसमें बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को विजिट करते हुए पूरे अगले छः साल निकाल दिए बाद में उन्होंने अपना जो इंडिया में स्टे था उसका एक डिटेल्ड अकाउंट लिखा और गुप्तास के अंडर लाइफ के ज़िंदगी के जो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में भी लिखा ठीक है एडमिनिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो जो राजा था वो एडमिनिस्ट्रेशन का हेड था सारे के सारे जो गुप्ता किंग्स थे उन्होंने अपनी सुपरी अजर्ट करने के लिए बड़े बड़े टाइटल्स जो हैं खुद को दे रखे थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो किंग को असिस्ट करते थे एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में एम्पायर को बहुत सारी प्रोविंस जिनको हम क्या क्या करते थे भुक्तीज उसमें डिवाइड किया गया था और हर एक जो है उसका हेड कौन था प्रिंस था प्रिंसेस को कौन जो प्रिंस हुआ करते थे राजकुमार उनको असिस्ट करते थे एक ग्रुप ऑफ of जिनका नाम था कुमार अमतियाज जो प्रिं प्रोविंस थी।, थी उनको फर्दर डिवाइड किया गया था डिस्ट्रिक्ट और वैशियाज में और हर एक जो है इट वॉज प्लेस्ड अंडर अ विषाया पति अब आई विल ड्रॉ इट समथिंग वेरी वेरी नाइजली जस्ट बे विद मी फॉर अ फ्यू मिनट्स लेट मी मेक इट देखो सबसे पहले क्या था सेंटर अब जो ये सेंटर की मैं आपसे बात कर रही हूँ इसको जो रूल कर रहे थे कौन कर रहे थे इसका राजा कौन था इसका हेड जो था वो किंग थे अब जो सेंटर था उसको डिवाइड किया गया था किस में डिवाइड किया गया था फर्स्ट डिवीजन जो है वो था प्रोविंसेस में अब जो प्रोविंसेस थी उनको एक और नाम दिया गया था वो नाम कौन सा था जो नाम दिया गया था इट वाज भक्तीज और भक्तीज ठीक है अब जो ये प्रोविंसेस थी उनको रूल कौन कर रहे थे इसके जो हेड थे दे वर दी प्रिंसेज जो राजकुमार हुआ करते थे वो हेड थे प्रोविंसेस के राजकुमार को असिस्ट uh, कौन करते थे कुमार अमत्याज ठीक है अबाउट देम आई हैव नॉट रिटर्न ओवर हेयर ठीक है यहाँ पे मैं सिर्फ ऐसे बात कर रही हूँ गिव मी मीट एल देम ऑल्सो आई शुड बी डूइंग इट अब जो प्रोविंसेस थे दे वर फर्दर डिवाइडेड इन टू डिस्ट्रिक्ट इनको फर्दर डिवाइड किया गया था डिस्ट्रिक्ट में ठीक है अब जो ये डिस्ट्रिक्ट थे इनको क्या कहा जाता था दे वोन एज विशायाच प्लेस अंडर विषायापति सो या आई राइट दैट ऑल्सोर हेयर ठीक है और जब मैं आपसे यहाँ पे बात कर रही होती हूँ अबाउट द प्रिंस सो वी आर चॉकिंग जब हम प्रिंसेस जब यहाँ पर रूल कर रहे होते हैं तो साथ में उनकी हेल्प करने के लिए कुछ लोग होते हैं नोन एज़ कुमार अमत्याज सो आई होप अब आपको समझ में आ गया गए स्क्रीन शॉट ऑफ दिस इफ यू वॉन्ट टू नाउ वी कम बैक टू दी स्लाइड्स लाइज हर एक जो डिस्ट्रिक्ट था उसका एक काउंसिल था जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करता था और ये जो काउंसिल था इसके अंदर कंसिस्ट क्या होता मतलब और कौन कौन लोग आते थे इसके अंदर आते थे कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और साथ में कुछ लोकल सिटीजन्स जो स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था वो था विलेज यानी जो डिस्ट्रिक्ट था वो फर्दर डिवाइडेड था विलेज में और जो हेडमैन था वो यहाँ का हेड हुआ करता था यूज टू लुक आफ्टर द विलेज और असिस्ट करते थे विलेज एल्डर्स इनको जो गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन था वो फुली डिसेंट्रलाइज था वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये फुली डिसाइज था सेंटर पे डिपेंडेंट नहीं था जो ऑफिशियल्स थे वो बहुत इंडिपेंडेंट थे सेंट्रल कंट्रोल से और उनके पास अपना फ्रीडम था कि वो उनकी टेरिटरी का जिस टेरिटरी के वो इंचार्ज हैं उनको वो अपने अच्छे तरीके से जो गवर्न कर सके एडमिनिस्टर कर सके स्ट्रॉन्ग रूलर्स जो हैं इन ऑफिशियल्स पे चेक रखा करते थे लेकिन वहीं वीक रूलर्स पे ये जो ऑफिशियल्स थे वो अपनी इंडिपेंडेंस को अजर्ट करके ख़ुद को ही एक राजा डिक्लेयर कर देते थे कमिंग टू सोसाइटी जो गुप्त गुप्ता रूल था उसके दौरान जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस थे हैप्पी थे फाहीन जो है ही राइट्स एट द पीपल डिड नॉट लॉक हाउस लोग अपने घरों को भी ताला नहीं लगाते थे इससे ये बात सम, आ, समझ में आती है कि रॉबरी यानी चोरी डकैती ऐसे जो कानून है जुर्म है आ, कानून सॉरी जुर्म है जो क्राइम्स हैं ये रेयर थे बहुत कम हुआ करते थे जो लोग थे वो लॉ को कानून को मानने वाले थे और आ, जो ऑनेस्ट थे वो सच्चे थे झूठ नहीं बोलते थे कास्ट सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा रिजिड हो गए थे इस पीरियड के दौरान चार मेन वर्ना यानी कास्ट के अलावा कुछ कई सारी जो है सब कास्ट भी डेवलप हुई अनटचेबल्स को चंडालाज भी कहा जाता था उनका बहुत बुरा हाल करते very, very were, थे वो ट्रीटेड वेरी वेरी बैडली एंड ट्रूली दे इंडीड वर्क और ये जो प्रैक्टिस है दिस इवन डेटोरिएट हो गई थी जब ब्रिटिशर्स आए थे ठीक है बैक टू द टॉपिक कम्प की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे स्टिल जो चंडालाज हुआ करते थे उनको इतना ज़्यादा मतलब अनटचेबल्स इतना ज़्यादा माना था इतना ज़्यादा उनको इमप्योर माना जाता था कि हाई कास्ट पीपल जो है उनको देखते तक नहीं थे विच वज वेरी वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस जो अन हैं वो uh, टाउन के बाहर रहा करते थे और जब उनको सिटी uh, या मार्केट प्लेस जाना होता था uh, टू गेट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जिसकी उनको जरूरत होती थी तो वो स्ट्राइक करते थे एक पीस ऑफ वुड ताकि लोगों उनके पास उनके कॉन्टैक्ट में आने से बच जाए जो औरतों की पोजीशन थी पोजीशन ऑफ वुमेन फर्दर डिक्लाइन करके देखो मौरन में वैसे ही खराब थी सॉरी वेदाज में वैसे ही खराब थी फर्दर जब आया मौर्या तो और खराब हो गया और गुप्ता पीरियड तो थी, में तो एकदम ही बर्बाद थी खराब पोजीशन थी ठीक है देवर कंसिडर उनको मेन से आ, आ, इन्फीरियर कम समझा जाता था और उनको एजुकेशन नहीं देते थे बहुत कम उम्र में उनकी शादी कर दी जाती थी और उनको डिसक्रेज किया जाता था सोशल फंक्शंस को अटेंड करने से आ, जो वुमेन है उनकी जो लाइफ थी वो रिवॉल्व करती थी फैमिली के मेल मेम्बर्स के आसपास उनके ऊपर बहुत सारी जो विडोज़ हुआ करती थी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी एजुकेशन की बात करी जाए तो जो गुप्ताज हैं वो एजुकेशन को इनक्रेज करते थे कुमार गुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी मॉडर्न बिहार में फ़ाउंड करी थी जिसमें इंडिया और इंडिया के बाहर के काफ़ी सारे जो स्कॉलर्स हैं स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ने के लिए आए थे बुद्धिज़म के अलावा काफ़ी सारे जो हैं सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ाए जाते थे बुद्धिज़म और हिंदुज़म के अलावा और क्या क्या पढ़ाया जाता था ग्रामर लॉजिक मेडिसिन इन सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता था सब्जेक्ट्स कौन कौन से ये आपको पता होने चाहिए तक्षशिला वल्लाभी उज्जैनी जो है ये बाकी फेमस यूनिवर्सिटीज थी अपार्ट फ्रॉम नालंदा जो कि गुप्ता पीरियड में बहुत ज़्यादा फेमस थी ठीक है नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करिए तो नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज द फ़र्स्ट यूनिवर्सिटी फर्स्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी ये पहली दुनिया की टेंथ दस हज़ार लोगों से ज़्यादा और दो हज़ार टीचर से ज़्यादा यहाँ पे लोग रहा करते थे सिर्फ मेल स्टूडेंट्स को एडमिट किया जाता था और जिन बच्चों को आ, यहाँ पे ज्वाइन करना था उसको जो इंटरव्यू है वो सीनियर मंक्स लिया करते थे और अगर वो जो बच्चा ज्वाइन करना चाह रहा है अगर वो इंटरव्यू पास करना चाह रहा है तभी उनको पढ़ने दिया जाता था ठीक है वैन द मार्क्स वर कन्विंस की जो एक पर्टिकुलर इंसान है वो कीन है पढ़ना चाहता है सीरियस है और तो ही उनको एडमिशन ग्रांट किया जाता था ऐसी नहीं कि कोई भी आओ एंड यू जस्ट स्टार्ट अटेंडिंग द क्लास नो लाइब्रेरी ऑफ द यूनिवर्सिटी जो थी वो तीन बिल्डिंग्स तक स्प्रेड थी कैन यू इमेजिन तीन बिल्डिंग्स तक स्प्रेड थी जिनमें से एक जो बिल्डिंग थी उसको रत्न सागर कहा जाता था जिसका मतलब होता है ओशन ऑफ जेम्स आई टॉक अबाउट रिलिजन हिंदुज्म जो है वो मोस्ट पॉपुलर रिलिजन था गुप्ता पीरियड के दौरान मोस्ट uh, जो गुप्ता रूलर्स थे वो वैष्णु के वर्शिपर्स थे और टेम्पल्स को बनाने के लिए वो डोनेशंस दिया करते थे वो साथ ही साथ रिलीजियस सैक्रीफाइसिस परफॉर्म करते थे गुप्ता किंग्स जो हैं काफी सारे रिलीजन्स को टॉलरेट कर लेते थे समुद्र समुद्रगुप्त ने एक बुद्धिस्ट स्कॉलर का नाम था वासुबंधु उनको अपने बेटे के ट्यूशन टीचर के तौर पे अपॉइंट किया था डिफरेंट uh, रिलीजन्स के जो फॉलोअर्स हुआ करते थे वो एक साथ हार्मनी में रहते थे हारमनी मतलब मिलजुल कर भाईचारे में रहा करते थे ब्रदरहुड में हिंदुइज्म जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे बुद्धिज़्म और जैनिज़म की इम्पोर्टेंस है वो ख़त्म हो गई और इस पीरियड के दौरान जो कॉन्सेप्ट है भक्ति और सेल्फलेस डिवोशन टू गॉड वो पॉपुलैरिटी गेन कर गया मी टेल यू एक चीज आप सेवन्थ में पढ़ोगे जो भक्ति वाला जो कॉन्सेप्ट है ना जब वो शुरू हुआ था ये भक्ति वाला हिंदुज़म में था और साथ में एक सूफी कॉन्सेप्ट भी शुरू हुआ था ठीक है ये मुस्लिम्स वालों का था जी ये फॉर्म ऑफ वर्शिपिंग गॉड जो है ये वाला जो फॉर्म था जिसकी मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ भक्ति सूफी वाला जस्ट फॉर भक्ति रही ठीक है जो भक्ति वाला सारा हम बात कर रहे हैं तो ये जो फॉर्म था इट वॉज टू सिंपल बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल था ये इनएक्सपेंसिव था और फेथ और लव ऑफ डिवोटी पे वो बेस्ड होता था जो मासज हैं लोग थे वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे इससे इकोनॉमी की अगर मैं बात करूँ तो एग्रीकल्चर जो है वो मेन ऑक्यूपेशन था लोगों का और मोस्टली जो रेवेन्यू था वो ज़मीन से आता था गुप्ता पीरियड का जो शुरुआती समय था उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल फॉरेन ट्रेड एक्सटर्नल का मतलब होता है फॉरेन ट्रेड ये दोनों टाइप की जो ट्रेड हैं वो प्रॉस्पर करी मतलब बहुत ज़्यादा चली और इंडिया जो है साउथ ईस्ट इंडिया वेस्ट एशिया अफ्रीका और बा कुछ मेटेटी के साथ ट्रेड करता था साथ में ताम्रलिप्ति ब्रोच ताम्रलती इसको तामलुक भी कहते हैं ब्रोज सुपारा और कल्याण जो हैं ये मेन पोर्ट्स थे ओवरसीज ट्रेड के लिए मूविंग फर्दर इन इकोनॉमी जो स्पाइसेस थे स्पाइसेस, पर्ल्स आइवरी परफ्यूम्स टेक्सटाइल्स और प्रेशियस स्टोन्स ये मेन आइटम्स थे एक्सपोर्ट के ये ट्रेड जो है ये एम्पायर को बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस बना देता था और अब पिछले इन द लास्ट ईयर गुप्ता पीरियड के जो आखिरी के साल थे उसमें ट्रेड में बहुत ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिला था हंस का जो इन्वेजन था वो एक रेस्पॉन्सिबल कॉज हो सकता है फॉर द डिक्लाइन ऑफ ट्रेड टाउन्स एंड सिटीज जो हैं जो कि ट्रेड पे ही डिपेंडेंट करते थे निर्भर करते थे उनका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था आर्ट एंड आर्किटेक्चर की अगर मैं बात करूँ तो जो गुप्ता किंग्स हैं उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स बनाए थे जो अर्ली गुप्ता टेम्पल्स थे वो सिंपल स्ट्रक्चर थे जिसमें सिर्फ एक वन रूम जहाँ पे डेटी जो इंसान की जिस क्रीचर uh, की आई शुड बी सेइंग जिस पर्सन की जो रहती थी डेटी मूर्ति उसको रखी जाती थी ओवर द ईयर सालों जो टेम्पल्स हैं वो बहुत लार्जर बड़े हो गए और एलेबोरेट हो गए द बतारा टेम्पल एट देवगढ़ नियर झांसी जो कि टेम्पल एक बिट्टर गांव में है नियर कानपुर और जो सांची में टेम्पल है ये बहुत ज्यादा ब्यूटिफुल हैं एंड दे आर कंस्ट्रक्टेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन गुप्ता किंग इसने बहुत सारे टेम्पल्स बनाए न्यूमरस बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज जो हैं इस पीरियड के दौरान बनाई गई थी सम ऑफ देम जो है ये केव के फॉर्म में थी बल्कि पूरा केव भी नहीं था देवर इन द फॉर्म ऑफ केव्स जिनको हिल के शेप में काट दिया गया था ठीक है वन सच के मोनास्ट्री जो है वो अजंता में है जिसकी वॉल्स जो है मोरल्स यानी जिनको पेंटिंग्स कहा जाता है जो कि डिपिक्ट कर रही होती है बुद्धा की जिंदगी की इवेंट्स को उसमें कार्व की गई है, जो walls है, हैं जो वॉल्स हैं दीवारें हैं जो अजंता केव की उसमें पेंटिंग्स ऐसी हैं ठीक है थीके? जो ये केव पेंटिंग है अमंग दी फाइनेस्ट हैं पूरी दुनिया में और ये एक बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन भी हैं आर्ट ऑफ स्कल्पर जो है वो अलग ही ऊंचाइयों को छू गया व्हेन द रूल ऑफ गुप्ताज वाज देयर जो बहुत सारी इमेजेस हैं बुद्धा महावीरा और वेरियस हिंदू गॉड्स एंड गॉडिस की वो डिस्कवर हुई स्टैचू ऑफ सीटेड बुद्धा फ्रॉम सारनाथ इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ गुप्ता स्कल्पचर ये डिपिक्ट करता है बुद्धा इन द पोज ऑफ प्रीचिंग धर्मा और जो हालो है वो उस उनकी जो स्परिचुअल स्ट्रेंथ है उसको रिप्रेजेंट करता है कमिंग टू लिटरेचर जो गुप्ता किंग्स थे ये थे किसके संस्कृत लिटरेचर के से सम ऑफ द दाइनेस्ट पोएट्री ड्रामा संस्कृत में लिखे गए थे इस पीरियड के दौरान नोटेबल पोएट और ड्रामेटिस्ट इस पीरियड के थे दास उनके फेमस वर्क्स में कौन कौन से आते हैं मेघा दत्ता रघुवंशा ऋतु समहारा कुमार संभाव एंड द रिनाउंड प्ले अभिजनाना शकुंतलम ये पूरा पैराग्राफ में कहूंगी पॉइंट जो है वो रट लो ठीक है ये आता ही आता है बाकी जो ग्रेट राइटर्स थे इस पीरियड के उसके अंदर आते हैं सुद्रका जिन्होंने लिखी थी मृक्ष काटिका और वैशाखा डट्टा जिन्होंने लिखी थी देवी चंद्रगुप्तम एंडसा फेमस पंचन तंत्र जो है वो किसने लिखी थी विष्णु शर्मा ने लिखी थी इस पीरियड के दौरान स्टडी ऑफ लैंग्वेज पर्टिकुलरली ग्रामर एंड लेक्सिकोग्राफी भी प्रोग्रेस की गई ठीक है पानीनीज आष्टध्याय जो है एक सेमिन वर्क है ऑन संस्कृत ग्रामर अमर सिम्हा जो है इन्होंने कंपाइल करी थी संस्कृत में एक डिक्शनरी जिसका नाम क्या दिया गया है अमर कोशा नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज ऑफ एस्ट्रॉनोमी अब देखो अगर मैं एस्ट्रोनॉमी की बात करूँ तो इसमें फेमस जो एकदम आते हैं दे आर आर्यभ एंड वरा हमी हीरा ये जो है ये दोनों लीडिंग एस्ट्रॉनमर थे इस पीरियड के कौन से पीरियड के गुप्ता पीरियड की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आर्य ने क्या डिस्कवर किया था कि जो अर्थ है वो सन के चारों ओर घूमती है और अपने एक्सिस पर भी घूमती है मतलब वो रोटेशन भी करती है और रेवोल्यूशन भी करती है एज सिम्पल एज डैट सोशल स्टडीज़ का क्लास फिफ्थ का टॉपिक है आपके में इन्होंने क्या लिखी थी आर भट्टियम जिसमें क्या इन्होंने फाउंड किया मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन इन्होंने फाइंड करें वारा हामीरा जो है इन्होंने क्या लिखी थी ब्रिहाट समिता लिखी थी जो कि साइंस की एनसाइक्लोपीडिया है कमिंग टू मैथमेटिक्स इसमें सिर्फ इतना समझो जो न्यूमरल सिस्टम है वो बहुत बहुत ज़्यादा एडवांसड था टू अनदर ही लेवल का तई समझ लो और ये यूज़ करते थे इंडियंस डेवलप भी इंडियंस ने किया सबसे पहले सबसे पहले इंडियंस ने डेवलप किया उसके बाद उसको अरब ने यूज़ किया उन्होंने थोड़ा फर्दर इम्प्रूवमेंट्स किए फिर यूरोपियंस ने यूज़ किया अरब से सीख कर इंडियन मैथमेटिशियंस जो हैं वो जीरो का यूज़ जानते थे और डेसिमल सिस्टम को वो बहुत ज्यादा अच्छी तरह से यूज करना भी जानते थे और करते भी थे मेटालोजी की बात करिए तो फील्ड ऑफ मेटालोजी जो है वो हाईली एडवांस्ड थी और ये एविडेंट है फ्रॉम द कंडीशन ऑफ द आयरन पिलर जो दिल्ली में एक आ, डेली में महरौली जगह पे जो एक आयरन पिलर है ये इसी पीरियड में कास्ट किया गया था फो सेंचुरी सी गुप्ता पीरियड में ये सोलह सेंचुरीज यानी सोलह सौ साल से भी ज्यादा वक्त के लिए Uh, सूरज और सन uh, और बारिश नहीं सूरज बारिश सब कुछ इसने देखा है इवन देन इट हैज़ नॉट रस्टेड और वहीं पे जो नॉर्मल कोई भी आयरन की चीज़ होती है वो मैक्स टू मैक्स एक साल में रस्ट खा जाती है जो गुप्ता गोल्ड कोइन है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल डिज़ाइंड थे पॉइंटिंग टू द हाई लेवल ऑफ मेटालोजिकल स्किल जो कि इस पीरियड में अचीव कर ली थी लोगों ने मेडिसिन जो है उसकी अगर मैं बात करूँ तो बेस्ट ग्रेटेस्ट फिजिशियन थे इस टाइम के वो थे धर्मेंद्र और वेटनरी साइंस जो वे है वो भी बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रोग्रेस करी बुक जिसका नाम है अश्व सिस्तर ये स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ी सी गलत है आप उसको फॉलो करें जो आपकी बुक में ठीक है अश्व सिस्ता करके एक बुक है जो कि डील करती है विद वेरियस एनिमल डिजीजेज जिसमें सिम्टम्स और ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से डिटेल में लिखा गया और ये बुक कब लिखी गई थी ड्यूरिंग दी गुप्ता एरा एरा मतलब पीरियड ब्यूटिफुल मनार्थ एंड स्टेबल गवर्नमेंट ऑफ तो गुप्ता पीरियड जो है एक सर्ज ऑफ क्रिएटिविटी इन आर्ट आर्किटेक्चर और पेंटिंग लिटरेचर में लेकर आया न्यू डिस्कवरीज इन साइंस साइंस में नई तो नई डिस्कवरीज हुई उससे सिविलाइजेशन की प्रोग्रेस में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ काफ़ी सारे हिस्टोरियंस जो हैं इसी वजह से गुप्ता गोल्डन एज भी कहते हैं गुप्ता पीरियड को दैट सॉल्व फॉर दिस वीडियो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे इसी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अगैन वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हिस्ट्री जोग्राफी सिविक्स का आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना है सो डो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन आई एल ट्राई कि जितनी जल्दी हो सके मैं उस पर एक वीडियो बना रही हूँ एंड आई वेरी वेल नो कि मेरे को काफी सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं अबाउट एयर एंड एटमोस्फेयर अबाउट ग्रेट प्रीचर्स वाला चैप्टर सो रोट वरी आई एम वर्किंग ऑन इट और बहुत जल्दी आई इट वुल बी देयर ऑन माई चैनल ठीक है अनदर थिंक जिन नोट्स से मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाए ये बहुत अच्छे से पॉइंट्स के फॉर्म में अरेज है तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मिल रहा होगा सो यर जस्ट गोव एंड चेक द ड आउट दैट सॉल्व फॉर दिस वीडियो एनी रिव्यूज एंड सजेशन आई एम ऑलवेज ओपन टू दैम इन द कॉमेंट सेक्शन याद दॉल्व और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन डू गड हमसाफ शेयर विद य फ्रेंड्स एंड ऑल्सो डोंट फरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल Bye and take care. I'll see you soon in my next video. Children keep learning and keep exploring.